गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं क्रांति सर और क्लास 10 में आपका वेलकम है। और क्लास 10 की फिजिक्स क्लास में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्रतिबिंब, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इमेज। तो आइए हम सबसे पहले इमेज के बारे में समझते हैं, इमेज क्या होता है। विद्यार्थी, जब आप ये वीडियो आपके पास जाएगा और इस वीडियो को जब आप खोलिएगा तो आपको ये बोर्ड और मैं इस क्लास में पढ़ाते हुए दिखाई दूंगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका मोबाइल ऑन है और मोबाइल की स्क्रीन पर मेरा प्रतिबिंब बन रहा है, और यह प्रतिबिंब से निकलने वाली प्रकाश किरणें आपके आंख के रेटिना पर जब फोकसित होती है, मिलती है ये किरणें, तो मैं और ये बोर्ड और ये सारी जो पढ़ाई है वो आपको दिखाई देगी। तो प्रतिबिंब का मतलब होता है किसी वस्तु को देखना। यदि आप किसी वस्तु को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसके प्रतिबिंब का निर्माण कर रहे हैं। तो यह प्रतिबिंब कब निर्मित होता है? जब प्रकाश किरण का परावर्तन या अपवर्तन होता है, अर्थात प्रकाश किरण किसी समतल सतह से टकराकर वापस आती है, और ये किरणें जब वापस आती हैं तो आपस में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या फिर जब प्रकाश किरणें किसी लेंस से या किसी अन्य एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद एक दूसरे से मिलती हैं ये किरणें, या एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर जहां ये मिलती हैं वहां इसका प्रतिबिंब बनता है। मतलब उस वस्तु को हम वहां देख सकते हैं जहां उसकी किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात क्या मिली। जैसे यहां पर एग्जांपल के तौर पर देखिए, मान लेते हैं आपके पास एक दर्पण है ना। तो ये दर्पण मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दर्पण जो है वो इसको हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। तो यह एक दर्पण है और इस दर्पण का ये प्रधान अक्ष हम इसको कह सकते हैं, मैं ये सब आगे बताऊंगा आपको। और इस दर्पण के सामने कुछ किरणें आपतित हो रही है, ओके। तो ये एक किरण आई और मान लेते हैं एक दूसरी जो किरण है वो इस प्रकार से आ रही है। ये दो किरणें हैं, तो इन दो किरणों ये जो दो किरणें हैं वो किसी वस्तु से निकल कर आ रही है। और मान लेते हैं ये वस्तु आपके यहां इस प्रकार से, ये आपकी वस्तु हो गई। इस वस्तु को मैंने ऐसे दिखा दिया है, एक एरो की तरह दिखा दिया है, ये वस्तु की हो गई। अब इस वस्तु से ये जो किरणें निकल रही हैं, ये किरणें क्या होंगी, दर्पण से टकराएगी, और टकराएगी तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस उसी माध्यम में लौटेगी। तो टकराने के बाद ये पहली जो ऊपर वाली किरण है, किरण नंबर इसको 1 दे देते हैं, ये टक्कर के बाद ऐसे निकल रही है, और किरण नंबर जो 2 है, जिस ये वाली जो किरण है, ये टकराने के बाद ऐसे निकल रही है। तो टक्कर के पश्चात या परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें इस बिंदु पर एक दूसरे से मिल रही है। तो इस बिंदु पर जैसे ही ये इस बिंदु पर मिलेगी तो यहां इस वस्तु का इमेज मिलेगा, प्रतिबिंब मिलेगा। मतलब यह वस्तु जो है यहां पर भी दिखाई देगी, ये वस्तु जो है वो रियल में तो यहां है, लेकिन ये दिखाई आपको कहां देगी, इस पॉइंट पर दिखाई देगी। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि प्रकाश किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के बाद ये किरणें जब एक दूसरे से मिल रही हैं, तो जिस बिंदु पर ये एक दूसरे से मिलती है वहां वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, वहां वस्तु का प्रतिबिंब है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जब किरणें एक दूसरे से वास्तव में ही मिले, यहां पर देखिए किरणें जो है वास्तव में एक दूसरे से मिल रही है, सच्ची में एक दूसरे से मिल रही है। अगर आप यहां पर इस बिंदु पर जहां ये किरणें एक दूसरे से मिल रही है वहां फोटोग्राफिक प्लेट ले लेंगे। फोटोग्राफिक प्लेट का मतलब होता है निगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है। पुराने पहले टाइम में जब फोटो वोटो खींचा जाता था तो उसका निगेटिव होता था, उस पर आपके फोटो छप जाते थे। जब आपको खींचा जाता था तो उस पर वो फ्लोरोसेंट पेपर जैसा होता था कुछ, मुझे ज्यादा मालूम नहीं है उसके बारे में, फोटोग्राफिक प्लेट उसको बोला जाता है। और फिर उसके बाद उसको ले जाया जाता था और उसको फिर निगेटिव से उसके फोटो को तैयार किया जाता था। तो ऐसा आप रील देखे होंगे, नहीं कैसेट का रील होता है, तो ये फोटोग्राफिक प्लेट है। तो अगर प्रकाश किरणें यहां टकराने के बाद वास्तव में यहां मिल रही है, रियल में यहां वह प्रकाश किरणें टकराने के बाद यहां मिल रही है, तो अगर आप यहां कोई फोटोग्राफिक प्लेट रखेंगे तो इस फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या होगा कि इसकी छाया आपको मिलेगी। मतलब ये रियल में फोटोग्राफिक प्लेट को यहां प्रभावित करेगा। तो ऐसे प्रतिबिंब को हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे, ये कौन सा प्रतिबिंब हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज, ओके, वास्तविक प्रतिबिंब।
थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ऐसा क्यों नहीं कि किरण केवल रियल में वास्तव ही मिलेगी तभी उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब मैं एक ऐसे दर्पण को दिखा रहा हूँ जिसको हम लोग उत्तल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। ये ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक सतह जो है वो उठा हुआ है। अब विद्यार्थी, ये आपका प्रधान अक्ष इसको बोला जाता है, और यहां से प्रकाश किरणें आपतित हो रही है। तो सेम यही वस्तु हम ले लेते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमको बनाना है। इस बार ये अवतल के कारण नहीं बल्कि उत्तल दर्पण के कारण। तो प्रकाश किरण यहां आपतित हुई, ये अभिलंब हो गया, तो परावर्तन के नियम से प्रकाश किरण इधर चली जाएगी। ओके, तो पहले किरण टकराने के बाद उधर चली जा रही है, इन्फिनाइट की ओर जा रही है। दूसरी किरण यहां आई, टकराने के बाद ऐसे निकल जा रही है। तो देखिए, तो ये दोनों किरणें कभी एक दूसरे को काटेंगी, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। तो जब एक दूसरे को काटेंगी नहीं, प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, तो वास्तव में ऐसा कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप यहां खड़े हैं, यहां पर खड़े हैं और इसको देख रहे हैं, इधर खड़े होकर देख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये जो प्रकाश किरण है ना, वो आपको यहां से नहीं आते हुए प्रतीत हो रही, आपको लगेगा ये यहां से आते हुए प्रतीत हो रही। क्योंकि अगर आप इसको पीछे ले जाइएगा तो इस व्यक्ति को लगेगा कि ये प्रकाश किरण जो है, ये दोनों किरण जो है, ये दोनों किरण इस बिंदु से ऐसे फैलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहां पर क्या हुआ, वास्तव में कोई कटान नहीं हुआ, वास्तव में किरणें एक दूसरे को नहीं काटी। लेकिन अगर आप इसको पीछे ले जा रहे हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही है, और ये जो प्रेक्षक है उसको ऐसा लग रहा है कि यह जो प्रकाश, ये जो वस्तु है, ये प्रकाश किरणें जो है वो इस वस्तु से नहीं आ रही है, बल्कि वो तो इस वस्तु से आ रही है। तो रियल में वस्तु यहां है, लेकिन इस बंदे को क्या दिखाई देगा, वस्तु यहां दिखाई देगी। क्योंकि हमारी एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि प्रकाश किरण जब हमारे आंख और नेत्र तक पहुंचती है तो हमको लगता है वो सीधे ही आ रही है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास ये एक वस्तु है और प्रकाश किरण ऐसे घूम कर आ रही है, तो आपको लगेगा कि अगर ऐसे आ रही है लास्ट में, पहले तो ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, और ऐसे अगर आ रही है तो आपको लगेगा इधर से आ रही है। अगर वो ऐसे करके आएगी घूमकर तो आपको लगेगा इधर से आएगी। तो हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हम किसी वस्तु को जब, किसी किरणों को जब देखते हैं तो हमको लगता है वो सीधे आ रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आकाश में ये तारा है, स्टार है, और यहां पर हम अर्थ पर खड़े हैं, देख रहे हैं, तो तारों से आने वाले प्रकाश मान लीजिए अपवर्तन इसका हो रहा है, तो अपवर्तन कारण ये प्रकाश क्या हो रहा है, थोड़ा सा मुड़ जा रहा है। केवल अपवर्तन कारण ही नहीं होता है, ग्रेविटेशनल ग्रेविटी कारण भी होता है। जैसे इसके नजदीक कोई बड़ा सा दूसरा स्टार्स है, प्लैनेट है, ब्लैक होल है, तो लाइट जो है वो बेंड हो जाती है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसको मैथमेटिकली पढ़ा है। तो क्या होगा, ऐसे ये आकर यहाँ पर ऐसे मुड़ती मुड़ रही है माध्यम में, माध्यम के कारण, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ये आप आगे बढ़िएगा। तो इस बंदे को प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि इसको लगेगा ये प्रकाश जो है ऐसे सीधे आ रहा है, तो अब इसको ये तारा जो है वो यहां नहीं दिखाई देकर यहां दिखाई देगा इस पॉइंट पर। तो इसका मतलब है कि हमारी ये प्रॉब्लम है। तो अब देखिए क्या है कि अब इस बंदे को, इस बच्चे, इस बच्चा या जो प्रेक्षक है उसको ऐसा लगेगा ये जो किरणें है ना वो यहां से नहीं आ रही है बल्कि यहां से आ रही है। तो ऐसे प्रतिबिंब को हम लोग कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। तो प्रतिबिंब के दो प्रकार हो गए, वास्तविक प्रतिबिंब हो गए और काल्पनिक प्रतिबिंब हो गए। प्रतिबिंब की परिभाषा, प्रकाश किरणों के किसी दर्पण या किसी सतह या किसी लेंस कुछ भी हो गए, प्रकाश किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वो एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु पर, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ओके, प्रतिबिंब। अगर ये वास्तव मिल रही है तो प्रतिबिंब वास्तविक होंगे, और वास्तव में नहीं मिल रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि वो यहां मिल सकती है, ऐसा हमको भ्रम हो रहा है, तो उस काल्पनिक प्रतिबिंब उसको बोलते हैं। ओके, तो चलिए हम इसको अब बढ़िया से आपको समझा दिए, और अब हम इसको इमेज को पहले परिभाषित कर लेते हैं और उसके बाद इसके टाइप्स को परिभाषित कर लेते हैं, और मुख्यतः जो इसमें अंतर है वो अंतर को हम लोग देख लेते हैं, क्या मुख्यतः अंतर। तो इमेज किसको कहेंगे, तो प्रकाश किरण के परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर यदि प्रकाश किरण, यदि लिखेंगे,
यदि प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है तो यह बिंदु तो चाहे ये तो इस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम? तो ये आपकी परिभाषा हो गई। मैं इसको दिखा देता हूं यहां पर कैसे ये मिल रही है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं एक ऐसा दर्पण जिसके परावर्तक सतह धंसा हुआ है, जिसको आप लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। ओके, तो यहां पर आप थोड़ा सा मैं ये प्रधान अक्ष दिखा देता हूं। ये काल्पनिक अक्ष है जो दर्पण को दो भागों में अपर और डाउन दो भागों में डिवाइड कर देता है। रियल में डिवाइड नहीं करते, मतलब ऐसा मान लिया जाता है ताकि आप चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल कर सके। ये आपके वस्तु हो गया, इसको आप ओ से सूचित करते हैं। वो मतलब ऑब्जेक्ट होता है, इससे प्रकाश किरण निकला और प्रकाश किरण ऐसे परावर्तित हो रही है। दूसरी किरण निकल रही है, ये दूसरी किरण परावर्तित हो रही है। तो ये किरणें एक दूसरे को परावर्तन के बाद, ध्यान रखिएगा, किरणें एक दूसरे को लग रहा है यहां पर भी काट रही है, नहीं ऐसा नहीं लेना है, क्योंकि परावर्तन दोनों किरणें परावर्तित हो जानी चाहिए। तो ये पहली किरण तो परावर्तित हो गई लेकिन दूसरी तो अभी परावर्तित नहीं ना हुई है, वो यहां टकराएगी तब ना परावर्तित होगी। उसके बाद अगर ये मिल रहे हैं तो इस पर जो इस वस्तु को हम लोग इमेज बोलते हैं, तो अगर ये वस्तु ऐसे लंबी है तो इसका प्रतिबिंब ऐसे उल्टा और लंबा बनेगा, जिसको आई यहां पर इमेज बोलेंगे, इमेज आई। ओके, कोई जरूरी है कि दर्पण ऐसा ही हो, दर्पण ऐसा भी हो सकता है जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो। ओके, ये आपका एक दर्पण होंगे जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है। अब यहां पर देखिए, आप वस्तु को रखिए, अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन करिए। तो प्रकाश ऐसे, पहली किरण ऐसे परावर्तित हो गई, दूसरी किरण ऐसे परावर्तित हो गई, कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर यहां कोई बच्चा, यहां कोई प्रेक्षक खड़ा है तो उसको लगेगा ये किरणें जो है वो इधर से कहीं से आ रही है। इन किरणों को अगर आप पीछे ले जाते हैं तो ये ऐसा प्रतीत होगा जैसे इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, एक दूसरे को काट रही है। इसे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, दोनों लिखा गया है। तो इसको डैश डैश लाइन से दिखाते हैं, क्योंकि ये वास्तव में है नहीं वहां पर। अगर यहां फोटोग्राफिक प्लेट रखिएगा तो यहां आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा बात। यहां फोटोग्राफिक प्लेट रखिएगा तो उस पर निशान बन जाएगा लाइट का, क्योंकि लाइट कितना फोटोन वहां पर आकर टकराएंगे और टकराएंगे तो कुछ केमिकल वहां होता है, तो केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पर आपका एक धब्बा बन जाएगा, दाग बन जाएगा उस पर। बट यहां पर आप फोटोग्राफिक प्लेट रखेंगे तो दाग नहीं बनेगा, क्योंकि रियल में यहां पर लाइट आ ही नहीं रही है, वो तो हमारा भ्रम है। अगर हम यहां खड़े हैं तो हम भ्रमित हो जा रहे हैं, क्यों ये लाइट यहां से आ रही है, तो ये काल्पनिक हो गया। तो इस प्रकार से आपके ये प्रतिबिंब हो गए। तो प्रतिबिंब के प्रकार कितने हैं? दो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ इमेज, प्रतिबिंब के प्रकार कौन कौन है? रियल और इमेजिनरी है। ओके, रियल और इमेजिनरी। तो प्रतिबिंब के दो प्रकार हैं, पहला हो जाएगा रियल इमेज, जिसको बहन कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा हो जाएगा विद्यार्थी जी इमेजिनरी या वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, जिसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब वैसे प्रकाश किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात यदि वो एक दूसरे से वास्तव में मिल रहे हैं, उस बिंदु पर एक दूसरे से मिल रहे हैं परावर्तन के बाद, तो उसको वास्तविक बोलेंगे। अगर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मिल रहे हैं तो उसको हम लोग काल्पनिक बोलेंगे। ठीक है, तो क्या करके हम डिफाइन कर लेते हैं यहां पर रियल इमेज और इमेजिनरी इमेज। ओके,
रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब, वैसा प्रतिबिंब, वैसा प्रतिबिंब। अब बताइए आगे वैसा प्रतिबिंब क्या हो जाएगा परिभाषा? वैसा प्रतिबिंब जो प्रकाश किरणों के वास्तविक कटान से बने, मतलब प्रकाश किरण रियल में एक दूसरे को काटे। वैसा प्रतिबिंब जो प्रकाश किरणों के वास्तविक कटान से बने उसे क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहते हैं। गुड, बहुत बढ़िया, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए, ये जो प्रतिबिंब है ये क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है। रियल में एक दूसरे को काट रहे हैं। तो जब रियल में एक दूसरे को काट रहे हैं तो इस प्रतिबिंब के गुण क्या क्या होते हैं? क्योंकि अगर आपको अंतर लिखने आएगा तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या मुख्य अंतर होंगे, तो उसके गुण को देखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये वस्तु हो गई किरण, पहले किरण परिवर्तित हो गई, दूसरी किरण परिवर्तित हो गई। कोई जरूरी नहीं कि दो ही किरण लेंगे और यही दो किरण लेंगे, चार ऐसी किरणें हम ले सकते हैं प्रतिबिंब निर्माण के लिए। ऐसे तो बहुत सारी किरणें होती। तो यहां पर जब इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ये वस्तु है, ये इसका इमेज है, तो आप देखिए सबसे पहली बात तो ये कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनते हैं। तो अगर यहां फोटोग्राफिक प्लेट रखेंगे तो फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या होगा? इसको प्रभावित करेंगे। तो मतलब यहां पर अगर आप इसको पर्दे पर, फोटोग्राफिक प्लेट क्या है? एक पर्दा की तरह है, एक पर्दा है। तो अगर आपको आपका प्रतिबिंब वास्तविक है तो आप उसको फोटोग्राफिक प्लेट पर या पर्दे पर उतारा जा सकता है। मतलब आप निगेटिव वहां लगाकर और उसको क्या कर सकते हैं? उतारकर और अपना सेव कर सकते हैं, उसका फोटो बना सकते हैं। बट अगर काल्पनिक होगा तो ऐसा नहीं कर सकते, पहला को। दूसरा है कि वास्तविक जो प्रतिबिंब बन रहा है उसमें जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बन रहा है। वास्तविक कटान से जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? उल्टे बन रहे हैं, है ना? तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? उल्टे। अब इसका रीजन है, वेव थ्योरी में इसका रीजन है क्यों उल्टा होता है, कि उसका पेज पाई कोण पर चेंज हो जाता है। तो इस सब के बारे में भी आपको स्टडी नहीं करना है। तो इसके कुछ प्रमुख गुण हम देख लेते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब के क्या गुण है। वास्तविक प्रतिबिंब के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ रियल इमेज क्या हो जाएगा भाई? प्रॉपर्टी ऑफ रियल इमेज। तो इसमें क्या क्या है? पहला तो है, पहला सबसे पहला कि यह किरणों के वास्तविक कटान से बनते हैं। ये किरणों के वास्तविक कटान से बनते हैं। गुड, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? जब किरणों के वास्तविक कटान से ये बन रहे हैं तो इन्हें पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो दूसरा हो गया, इन्हें पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, पर्दे पर उतारा जा सकता है, पर्दे पर उतारा जा सकता है। गुड, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा विद्यार्थी? ये हमेशा सदैव उल्टा बनेगा, है ना? ये सदैव कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। यह सदैव उल्टा बनेगा, यह सदैव उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा किसकी अपेक्षा? उल्टा बनेगा वस्तु की अपेक्षा। अभी मत करी हजा कि हे तरीका से प्रतिबिंब बनाई हजा, देखो ऐसे ना। अब मान ला कि ये हो गया दर्पण आपका, अब आप पहला ही उल्टा रख दिए हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसन बनेगा जी? इसका प्रतिबिंब कैसन बनेगा? थोड़ा सा गौर करते हैं। इसका प्रतिबिंब, ये पहले किरण हो गई और ये मान लो आपके दूसरी किरण हो गई, तो इसका प्रतिबिंब अब थोड़े ऐसा नहीं बनेगा, सीधा हो जाएगा।
तो सीधा कहने का मतलब है कि उल्टा कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, अगर वस्तु ऐसे है तो प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, और वस्तु अगर ऐसे रखेंगे तो प्रतिबिंब ऐसे बनेगा उसकी अपेक्षा। ठीक है, तो यह सदैव कैसा बनता है? उल्टा। ये बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़े या छोटे आकार के हो सकते हैं, सकते हैं मतलब बड़ा भी बन सकता है छोटा भी बन सकता है। जैसे मान लेते हैं ये दर्पण हो गया, अब काफी नजदीक वस्तु को रख दीजिए, तो पहले काफी नजदीक वस्तु को रखिए, तो पहला किरण और ये आपका हो गया दूसरा किरण, यहां देखिए क्या हो गया, छोटा हो गया। अब यदि यहां रख दे रहे हैं मान लेते हैं, तो क्या हो गया, इसके अपेक्षा बड़ा हो गया, तो छोटा भी बन सकता है बड़ा भी बन सकता है, उसको मैं दिखाऊंगा जब मैं दर्पण के लिए। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, वास्तविक प्रतिबिंब के ये गुण होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, जो किरणों के वास्तविक कटान से बने, ये वास्तविक कटान से बनते हैं इसलिए इनको पर्दे पर उतारा जा सकता है, ये हमेशा उल्टे होते हैं लेकिन वस्तु से बड़े भी हो सकते हैं वस्तु से छोटे भी हो सकते हैं। ओके, तो यहां तक हो गया आपको वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज के लिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम इमेजिनरी इमेज या वर्चुअल इमेज को या काल्पनिक प्रतिबिंब को भी समझ लेते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब का मतलब ये प्रकाश किरणों के काल्पनिक कटान से बनते हैं, मतलब वास्तव में वहां किरणें कट नहीं रही है, किरण डाइवर्ज कर जा रही है, फैल रही, लेकिन किसी प्रेक्षक को लग रहा है कि जैसे वो उसी बिंदु से आ रही है, संतृप्त उस बिंदु पर होती हुई प्रतीत होती है। तो मैं अपने थोड़ा सा मैं यहां मिटा देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा इसको जब मैं पढ़ा रहा हूं उसी टाइम। और अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस प्रतिबिंब पर बाबू, तो ये है आपको काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। ओके, गुड, थोड़ा सा कैमरा को मैं घुमाऊंगा हल्का सा। इसके काल्पनिक प्रतिबिंब किसको कहते हैं ये देखेंगे और इसके प्रमुख गुण को हम देखेंगे। ठीक है, ओके, चलिए भाई, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। गुड, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो प्रकाश किरणों के काल्पनिक कटान से बने, वैसे प्रतिबिंब जो प्रकाश किरणों के काल्पनिक कटान से निर्मित हो, कटान समझते हैं मतलब मिलने से, काल्पनिक कटान मतलब वहां मिल लिया है, मैं इसको एग्जांपल में दिखाऊंगा कैसे निर्मित हो, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्या पढ़ेंगे? वर्चुअल पढ़ेंगे, ठीक है, वर्चुअल इमेज कहते हैं। गुड, तो थोड़ा सा देखते हैं कि आप लोग सुबह सब आप लोग अभी तो ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही है कोरोना के कारण, तो जब आप लोग क्लासेस आते हैं ऐसे तो शादी विवाह का मौसम चल रहा है, बाल वाल झाड़ कर जाना ही होता है, मेकअप वेकअप करे, तो अगर आप लड़के हैं तो बाल वाल झाड़ ले, लड़की तो मेकअप वेकअप कर ले, लड़के भी कर रहे हैं ऐसी बात नहीं, लड़की भी कर रही है, इससे बुरा मत मानिए कि सर लड़की को ही बोल रहे हैं, सब करता है, सुंदर देखना सबका जन्मसिद्ध अधिकार भी है, देखना भी चाहिए। अब थोड़ा सा गौर करते हैं कि आप सुबह सुबह या कभी भी दर्पण लेते हैं, समतल दर्पण जो आपके घर में ऐनक जिसको कहते हैं, और उस ऐनक के सामने आप लोग खड़े हो, तो आप देखिएगा किसी भी ऐनक या दर्पण को अगर आप जैसे ही देखते हैं तो उसके एक जो सामने वाला भाग होता है एकदम चिकना होता है, लगता है कि जैसे उससे प्रकाश में टकरा कर लौटती है, आप उसको सनलाइट पर रखिएगा तो ये ऐसे टकराएगा और टकराने के बाद ऐसे लाइट जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे गाने भी बने हुए हैं भोजपुरी में, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो ऐसे ऐसे गाने आते थे, तो चलिए हम लोग तो
फिजिक्स वाले लोग के लिए तो लेजर लाइट, दर्पण, ये सब बहुत थॉटफुल कंसेप्ट है, बाकी लोगों के लिए सब एक जाने वाले भी इसको लिखे गए हैं। तो ये समतल दर्पण है और सुबह सुबह आप जब जग कर इसको देखते हैं तो अगर आप कभी फूटा हुआ शीशा देखेगा जो ऐनक से टूट कर निकल गया है, उसके पीछे का भाग जो होता है वो पेंट किया होता है, तो इसको पेंट कर दिया जाता है, उसको आप कलई कहते हैं करना। और इसको इसको कलई कर दिया गया तो लाइट जब इससे टकराएगी तो ये आग से पार नहीं जाएगी, मतलब ये पारदर्शी नहीं है, जो भी लाइट टकराएगी वो तो या तो इसके अंदर अवशोषित होगी, उसका थोड़ा भाग इसके अंदर अवशोषित होगा जिससे गर्म हो जाएगा, बाकी अधिकांशतः इसका 97-98% हिस्सा रिफ्लेक्ट करेगा, अच्छा रिफ्लेक्टर होना चाहिए। तो यह आपका घर पर जो आप देखते हैं ऐनक, वही ऐनक है। अब इस ऐनक के सामने आप खड़े हो तो आपको मैं वस्तु की तरह दिखा रहा हूं, ठीक है, ये आपकी मुंडी हो गई। आप कहेंगे सर मुंडी ऐसी होती है, ऐसी होती है थोड़ा, नहीं वस्तु कैसे दिखाया जाता है, ये आपकी मुंडी हो गई, ये आपका पैर हो गया, ठीक है। तो आप खड़े हो तो प्रकाश किरणें क्या है निकल रही है, तो बहुत सारे प्रकाश किरणें निकल रही, लेकिन हम दो किरणों को लेंगे। पहली किरण एकदम सीधे गई, सामने गई, जिस कोण पर गई उसी कोण पर क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे गई और वापस ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी जो किरण है वो यहां टकराई और रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन के नियम से इस प्रकार निकल गई, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो देखिए, तो दोनों ये किरणें, ये वाली किरण जो है टकराकर इधर जा रही है और ये किरणें टकराकर इधर जा रही है, क्या एक दूसरे से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो इनका रियल में कभी कटान नहीं होगा, वास्तव में कभी कटान नहीं होगा, तो प्रतिबिंब कैसे निर्मित होगा। तो अगर कोई प्रेक्षक यहां खड़ा है, कोई बाबू मान लीजिए यहां खड़ा है, तो इस बाबू को लगेगा ये दोनों जो किरणें हैं, किरण नंबर वन और किरण नंबर टू जो है, वो इस बाबू को लगेगा कि यहां से नहीं आ रहे हैं बल्कि वो इधर से कहीं से आ रही है। तो ये क्या होगा, इसको ऐसा भ्रम होगा कि ये किरणें जो है वो इस बिंदु से आ रही है और इस बिंदु पर कोई प्रकाश स्रोत रखा गया है। तो इस बाबू को ऐसा लगेगा कि ये जो किरण है इस बिंदु से आपको आती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसको लगेगा कि जैसे वस्तु यहां नहीं रखी गई है बल्कि कहां रखी गई है, यहां रखी गई है। तो इसको ये भ्रम होगा और यही भ्रम जो है वो क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये क्या हो गया इमेज। तो यहां पर देखिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं वस्तु के बराबर ही बने, वस्तु से छोटा बनता है, बराबर और छोटा दोनों बन सकता है, बड़ा बड़ा भी बन सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब ऐसा नहीं है कि मतलब छोटे ही बनेंगे, बड़े भी बनते हैं, छोटे भी बनते हैं, लेकिन हमेशा सीधे बनते हैं, तो ये सीधे बन रहे हैं। तो यहां पर वास्तविक कटान नहीं हुआ, काल्पनिक कटान हुआ, रियल में किरण एक दूसरे से मिली नहीं, इसको भ्रम हुआ, इस प्रेक्षकों को मिल रही है। तो अगर यहां कोई पर्दा हो या फोटोग्राफिक प्लेट हो तो क्या इसका प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बनेगा। तो हो गया, तो वैसी प्रतिबिंब जो वैसा प्रतिबिंब जो प्रकाश किरणों के काल्पनिक कटान से निर्मित हो उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी को देख लो, जब तुमने यहां तक कर लिया तो इसकी प्रॉपर्टी को, इसके गुण को देख लीजिए, क्या गुण होगा, प्रॉपर्टी ऑफ वर्चुअल इमेज काल्पनिक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के गुण क्या हो जाएगा बाबू। पहला इसका गुण कि सबसे पहला ये काल्पनिक कटान से बनती है, किरणों के कैसे कटान से बनेगी, काल्पनिक कटान से। तो सबसे पहला हो गया यह प्रकाश किरण या किरणों के काल्पनिक कटान से बनती है, ओके। दूसरा क्या हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब में पहला तो हो गया काल्पनिक कटान से बनती है, दूसरा क्या हो जाएगा, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। कोई सवाल पूछ सकता है यहां पर, सर तो आंखिया में कैसे लग जाला, हमारे आंख में कैसे दिख जाता है जब इसको पर्दे पर उतारे नहीं जा सकते, तो ब्रेन तक सिग्नल कैसे जाता है जब वास्तव में वहां पर लाइट है ही नहीं। तो बबुआ बहुत इंटरेस्टेड बात बा कि तहार रेटिना पर प्रतिबिंब जो होता है ना वो उल्टा बनता है और उसको वो वहां पर जो लाइट कोन होते हैं वो आपको भेजते हैं, इसको सिग्नल को कहां भेजते हैं, जो कलर शंकु कुछ कहा जाता है, वो सिग्नल आपको ब्रेन तक भेजते हैं, मनीष सर बताते हैं उसके बारे में, और वो ब्रेन सेल्स ब्रेन तक भेजा जाता है सिग्नल को, और ब्रेन जो होता है वो उसके इमेज को सीधा कर लेता है। तो हमारे ये मतलब ये हमारे ब्रेन की बेमिसाल
काबिलियत है कि वो सामने आने वाले हर एक, जैसे नाक के बीच में यहाँ पर गैप है, ये एक आंख दो आंख, तो ये बीच वाला जो भाग है ये ऐसा क्षेत्र है जिसको हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये दोनों आंख जो है अलग अलग देखकर इसको मिक्स कर लेते हैं, तो वो सब अलग बात है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तीसरा क्या हो जाएगा, यह सदैव सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। और चौथा हो जाएगा विद्यार्थी जी कि यह सीधा एवं उल्टे, वह यह वस्तु से बड़ा एवं उल्टा दोनों प्रकार का बन सकता है। यह वस्तु से बड़ा एवं छोटा दोनों बन सकता है, मतलब एक साथ नहीं, दोनों बन सकता है। जैसे अवतल दर्पण के फोकस एवं बहुत अवतल दर्पण से एकदम सटा कर रखोगे तो काल्पनिक एवं बड़ा बनेगा, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा एवं सीधा बनता, छोटा एवं छोटा बनता है, और समतल में हमेशा बराबर बनेगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आप लोगों को प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा बहुत समझ हो गई होगी। प्रतिबिंब प्रकाश किरणों के परिवर्तन या अपवर्तन के पश्चात मिलने की जो घटना होती है, जिस बिंदु पर ये मिलते हैं वहां प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब के दो प्रकार है, वास्तविक एवं काल्पनिक। वास्तविक कटान से यदि प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक होगा, अगर काल्पनिक कटान से बन रहा है तो काल्पनिक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं। ओके, तो यहां तक आज की आपकी कक्षा समाप्त होती है। कोई डाउट होगा तो कॉमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।